ट्रायल पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। हिंदी के मूर्धन्य कवि सोहनलाल त्रिवेदी ने जिस महान व्यक्ति का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है वे कोई और नहीं कोमा बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं विराम। जी हाँ, कोमा वही महापुरुष जो महात्मा गांधी के नाम से विश्व विख्यात हैं विराम। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए यूं ही तैयार नहीं रहते थे कोमा, बल्कि सत्य और अहिंसा की नीति का उनके पास बल था कोमा, जिसका प्रयोग कर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विराम। मेन पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था विराम। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे विराम। उनकी माता पुतली बाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी विराम। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा और उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा विराम। पैरा गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के ही स्कूल में हुई विराम। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में भेजा गया कोमा, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा विराम। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया विराम। इंग्लैंड जाने से पहले ही मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था विराम। 1991 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास कर स्वदेश आए और बम्बई में वकालत प्रारंभ कर दी विराम। पैरा गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 ईस्वी में तब हुआ कोमा, जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा विराम। वहां उन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा विराम। वहां अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया विराम। उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना विराम। पैरा वे जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे कोमा वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे विराम। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में कोमा, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में कोमा, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में कार्य किया विराम। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की विराम। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ अपनी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है विराम। पैरा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी कोमा, इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए कोमा तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। विराम। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया कोमा, वह था बिहार के चंपारण जिले के नीलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। विराम। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। विराम। पैरा। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। विराम। इसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। विराम। वे जानते थे कि सामरिक रूप से संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति कोमा लाठी और बंदूक के बल पर भी पर नहीं मिल सकती कोमा, इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया। विराम। अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। विराम। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वर्ष 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। विराम। पैरा। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया कोमा, तो गांधी जी ने 13 मार्च कोमा 1930 को अपने दांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से दांडी में नमक बनाया। विराम। इस तरह उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। विराम। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते के लिए इंग्लैंड भी गए कोमा, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती की वजह से टूट गया कोमा। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा। विराम। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराम। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त कोमा 1947 को स्वतंत्र हुआ। विराम। वर्ष 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई। विराम। पैरा। एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद कोमा, छुआछूत, नशाखोरी कोमा, बाल विवाह कोमा, प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए। विराम। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे कोमा, किंतु आज़ादी मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रख सके कोमा, इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई कोमा, तो वे बहुत दुखी हुए। विराम। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो कोमा, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को नहीं रोका जा सका। विराम। पैरा। दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से ही भूल हुई। विराम। कट्टरवादी मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में भारत में भी एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया। विराम। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे। विराम। कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया। विराम। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे कोमा, तब नाथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। विराम।
इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया विराम। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हो कोमा, किंतु उनके विचार प्रासंगिक है तथा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है विराम। गांधी जी के दर्शन के चार आधारभूत सिद्धांत है सत्य, कोमा अहिंसा, कोमा प्रेम और सद्भाव विराम। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है विराम। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना विराम।